नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अभी मैं आया हुआ हूँ, ये देखिए क्राउन प्लाजा रेड लाइट के सामने जो एक पांच पिल्लों की माँ और उन पिल्लों का जो रिलोकेशन का केस चल रहा है उसके बारे में अपडेट लेने आज 26 जुलाई और सुबह 10:14 का समय है। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये सारे लोग हैं जो कि पिल्लों की ध्यान रखते हैं, पिल्लों के पास 24 घंटे रहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये बैठे हैं सारे पिल्ले और ये देखिए ऊपर फट्टा हमने लगाया है ये ताकि बौछार ना पड़े, इस तरह से ध्यान रखा जा रहा है। ये नीचे सारे के सारे डॉगीज और सब मतलब पूरी झुग्गी बनी हुई है। इसकी माँ अंदर भी जाती है, वो सामने भी जाती है, वो देखिए सामने भी जाती है, वहाँ पे पूरा एरिया खाली है, वहाँ पे कोई पानी नहीं भरा हुआ। वो देखिए सामने वो जो है पूरे ऑटो वगैरह सब खड़े हुए हैं और ये नीचे भी डॉगी बैठे हैं, वो देखिए सामने। तो ध्यान रखने वाली फैमिली है, गरीब इंसान को भी कुत्ते पालने का हक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों की रियासत है कुत्ते। ये अमर सिंह जी है जो इसका ध्यान रखते हैं। अमर सिंह जी आप बताइए कि आप ध्यान रखते हैं इसका? हमने इस चक्कर में कुत्ते भी खा लिया है। इनको ये बता रहे हैं कि इनको कुत्ता भी काट गया लेकिन फिर भी इन्होंने पूरा ध्यान रखा। और आगे से आप देना चाहोगे इसको किसी को? किसी को नहीं देंगे हम। ये कह रहे हैं मैं गरीब आदमी चाहे हूँ लेकिन मैं किसी को देना नहीं चाहूंगा। जिन भी महिलाओं ने इन कुत्तों को रिलोकेट करा था और जो है एक की जगह तीन बार ये रिलोकेट हुए, मतलब एक बार ले गए फिर छोड़ गए, उनमें से एक पिल्ला मर भी गया इनके पास और फिर दोबारा किसी से उठवा दिया। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, इन पिल्लों की आवाज बनी है, अमर सिंह जी की आवाज बनी है, ये सब भाइयों की आवाज बनी है, आंटी जी की आवाज बनी है। अभी आंटी जी भी दूध पिला रही थी इसको और ये भाई जो है ये भी ध्यान रखने वाले हैं और वीडियो इन्हीं के फोन से बन रही है क्योंकि ये है कि भाई मेरे फोन में बैटरी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक गरीब इंसान को भी पिल्ले पालने का हक है। अगर इतनी अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है तो किसी भी जगह पे ले जाके छोड़ने से कोई लॉजिक नहीं है, जहाँ पे इन्फेक्शन हो, जहाँ पे बीमारियां हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे 24 घंटे कोई रहता ना हो, खंडर में जाके छोड़ देना बहुत ही गलत चीज है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए पिल्ले यहाँ पे सो रहे हैं आराम से, जब ये गए थे, देखिए कह रहे हैं पानी बरसात से बचा के लेके आए हैं, तो जब कोई प्यार करता है तभी तो लेके आता है। तो दोस्तों इनकी भावना और इनकी आवाज समझिए कि गरीब इंसान भी होता है, वो दिल से अमीर हो सकता है। ये देखिए अमर सिंह जी हैं, आंटी जी हैं, ये सब ध्यान रख रहे हैं पिल्लों का। जब पिल्ले यहाँ से गए थे तो आंटी जी कैसे थे? मोटे ताजे थे, पतले थे? और अब कैसे हैं? अब बिल्कुल सूख गए हैं। दोस्तों ये रिलोकेशन के अंतर्गत इन बिचारों की हालत खराब हो गई पिल्लों की। ये देखिए अब अभी भी ये अपनी माँ के साथ रहेंगे, यहाँ पे खाएंगे पियेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन शेल्टर कोई जगह नहीं है जहाँ पे इस तरह से ध्यान रखने वाले पिल्लों को छोड़ा जाए। ये आंटी जी ध्यान रखने वाली, अमर सिंह जी ध्यान रखने वाले। अमर सिंह जी रखते हैं ना ध्यान? हाँ। तो अगर आपको कभी भी खाना खिलाना है किसी को या किसी का भी ध्यान रखना है तो दोस्तों ऑन स्पॉट आके आप उसको जो है फीड कर दीजिए, उसको खाना खिला दीजिए, उठा के मत ले जाओ, किसी शेल्टर में मत छोड़ो। जब इतने सारे लोग ध्यान रखने वाले हैं, ये अमर सिंह जी हाथों में उठा के पिल्ले लेके आए, उठा के लेके आए ना, ये देखिए बिस्किट सामने रखे हुए हैं, अभी मैं भी फूड लाया हूँ वो डालेंगे, रात को दिव्या पुरी जी आती है वो डाल देंगे। तो जब इस तरह से फीडिंग हो रही है तो इसको उठाने की जरूरत क्या है? ये देखिए ये भी ये कह रहे हैं कि हमारे लड़का भी उठा के लेके आए। तो कहने का मतलब इतने लोग ध्यान रखने वाले होने के बावजूद ये इतने लोग अच्छे हैं कि ये ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई कह रहा है कि मैं भी उठाऊंगा, तो ये प्यार है इनका, बात समझो, हर कोई प्यार करता है, कोई दुश्मनी नहीं है, मतलब कोई नफरत नहीं करता पिल्लों से। कहने का मतलब सभी गरीब जरूर हैं लेकिन दिल के अमीर हैं। हाँ दिल के अमीर है, अगर काम नहीं भी होगा तो भी खिलाएंगे। देखिए आप सबसे मेरा अनुरोध है भैया, आप अगर कभी कोई लेने आएगा तो क्या आप देना चाहोगे? नहीं देने बिल्कुल किसी को नहीं। आंटी जी देना चाहोगे किसी को? कभी नहीं देना चाहेंगे। दोस्तों आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस तरह से ध्यान रखने वाले जब लोग हों, किसी भी डॉग को कहीं से भी ना उठाएं, क्योंकि आप ले जाके उसकी दुर्गति ही मतलब वो होती है, बेचारे मर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और अगर आपको याद है आप आइए, इनको भी सपोर्ट कीजिए, इनको भी खाना डोनेट कीजिए और पिल्लों को भी यहीं पे खाना खिलाओ, कहीं पे उठा के मत ले जाओ। क्योंकि कहीं पे उठा के ले जाना फिर उसको मतलब वीडियो बना के डालना, ये कोई लॉजिक नहीं है, यहीं पे खाना खिलाओ ना। ये इतनी बढ़िया जगह है, देखो इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतने सारे कुत्ते रह रहे हैं, वो देखिए नीचे भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। पूरी वीडियो दोस्तों एक बार देख लीजिएगा और जिन भी महिलाओं ने रिलोकेट करा था उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि रिलोकेशन इज ए क्राइम और इस तरह से कभी भी डॉग्स को रिलोकेट नहीं करना चाहिए जब इतने सारे लोग ध्यान देने के लिए। मेरी वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि मैं देखना चाहता था कि यहाँ पे कोई ध्यान रखता भी है कि नहीं रखता। ये कह रहे हैं सब ध्यान रखते हैं, तो कहने का मतलब ये दोस्तों हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। ये देखिए ऊपर फ्लाईओवर है, कोई बारिश की बौछार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरा फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए और भी डॉग हैं, देखिए इन्होंने पाले हुए हैं, तो आप सबको उठा के ले जाओगे अगर शेल्टर में तो ये फिर हम तो एक तरह से एनिमल हेटर का साथ दे रहे हैं। एनिमल हेटर भी ये कहते हैं कि शेल्टर में ले जाके डाल दो, हमें नहीं चाहिए कुत्ते। तो दोस्तों ऐसा काम ना कीजिए अगर पशु प्रेमी हो। ये देखो ये प्यारा सा लड्डू आया है, लड्डू लड्डू लड्डू, तो ये उसका चचेरा भाई है उस कुतिया का, है जी सही कह रहा हूँ अमर सिंह जी? तो जब पूरा परिवार यहाँ है तो परिवार से अलग मत करो। ये देखो ये भी पिल्लों को सूंघने आता है बार बार,
और मिलने आता है पिल्लो को दो तीन बार, वो सामने इसके पिल्ले हैं, वो इसके भाई हैं, वो छोटे चचेरा भाई है उनका पिल्लो का। तो ये जो है अपने परिवार के साथ कुतिया ज्यादा खुश है, कोई भी डॉग कोई भी इंसान हो अपने परिवार के साथ ज्यादा खुश होता है, वो कहीं उसको फेंक दोगे तो वो खुश नहीं रहेगा। इसलिए आप सबसे मेरी मार्मिक मतलब हार्दिक रिक्वेस्ट है कि किसी भी डॉग को रिलोकेट मत करना, उसको उसी जगह पे रख के खाना खिला दो, और जो लोग उसका ध्यान रखते हैं उनको भी सपोर्ट करो। ये देखो ये सब ध्यान रखने वाले हैं, इनको भी सपोर्ट करो। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर देना, आशा करता हूँ वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक्स।